नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों खंडवा स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से सनावत के लिए सीधी ट्रेन शुरू यदि हो जाती है तो आने वाले समय में तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर जाने के लिए सीधी सुविधा लंबे समय के बाद फिर से प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए जो मध्य रेलवे है उसके द्वारा क्रॉस ओवर का कार्य शुरू कर दिया है। 15 मीटर का यह ट्रैक चेंज टर्न आउट का कार्य किया जाना है। 15 मार्च से पहले इसको पूरा किया जा सकता है। हमने इस बाबत कल आपको रिपोर्ट दिखाई थी। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के पश्चात में यह जो कार्य है इसमें अब तेज़ी देखी जा रही है। इसको देखते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 5 से प्लेटफॉर्म नंबर 4 को जोड़ने का भी कार्य किया जा रहा है, जो कि 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा और इस लाइन का भी उपयोग जो इंजन आदि रिवर्सल करने के लिए भविष्य में किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 5 से इटारसी और इंदौर एंड की ओर स्टार्ट सिग्नल से पहले ट्रैक को जोड़ने की जगह पर काम मध्य रेलवे भुसावल DRM के आने पर शुरू हुआ। DRM साहिबा इति पांडे जी ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर और ठेकेदार को 15 मार्च से पहले कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे ट्रैक के जुड़ने से भुसावल बुरहानपुर और नेपानगर के यात्रियों को वाया खंडवा सनावद ओंकारेश्वर की सीधी ट्रेन सुविधा मिल सकती है। वहीं यात्रियों को इंदौर जाने में भी खंडवा की बजाय सनावद से सुविधा के साथ पैसों की बचत भी होगी। ट्रैक चेंज सुविधा को तैयार करने में दोनों ही ओर इटारसी इंदौर और भुसावल अकोला साइट पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए का खर्च आना है, जो कि आमान परिवर्तन कार्यों के साथ में ही प्राप्त हो चुका है। लंबे समय से यह कार्य लंबित चल रहा है और जैसा कि DRM साहिबा के दौरे के पश्चात में अब तेजी देखी जा रही है और हमारे सांसद महोदय के द्वारा भी दिल्ली में इस बात को उच्च स्तर पर उठाया गया था कि जो खंडवा पर अमान परिवर्तन के साथ में यार्ड रिमॉडलिंग किया जाना था वह अब तक नहीं हुआ है और इस पर काफ़ी टालम टोल तब से अब तक की गई, अंततः यह कार्य अब शुरू हो रहा है। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो लिफ्ट लगाई गई थी उसका कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं 1 और 2 प्लेटफार्म के बीच में जो एस्केलेटर है उसका भी ट्रायल अभी नहीं किया गया, वह अभी अधूरा पड़ा है, लेकिन उस पर जो संबंधित जांच होना है उच्च स्तरीय, उसके पश्चात ही उसका फ़ायदा यात्रियों को भविष्य में मिल पाएगा। ऐसे में आगे से टीम आकर एस्केलेटर की जांच करेगी, इसके पश्चात ही उसको चालू किया जा सकता है। बहरहाल जो कार्य खंडवा स्टेशन पर लंबे समय से होने के थे वह अब फिर से शुरू हो चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है 15 मार्च तक जो हमारा यार्ड रिमॉडलिंग के नाम पर कार्य रुका पड़ा था, ट्रैक चेंज टर्नआउट लाइन जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 5 की लाइन को जोड़ने के लिए की जाना थी वह अब अंततः 15 मार्च तक जुड़ जाएगी और इसके पश्चात में सीधी ट्रेन सनावत तक जा सकेगी, तो काफ़ी खुशी की बात निकलकर सामने आई है। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।